कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन का सुझाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन पर विचार करें केंद्र और राज्य सरकारें। कोरोना महामारी के बढ़ते कहर के बीच लॉकडाउन पर विचार करने को कहा गया है। रविवार को सुनवाई करते हुए देश की शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों से आग्रह किया है। सामूहिक समारोह सुपर स्प्रेडर कार्यक्रम पर रोक लगाने का भी आग्रह है। कोर्ट ने गरीबों पर लॉकडाउन के दुष्प्रभाव पर चिंता जताते हुए ये भी कहा है कि सरकार अगर लॉकडाउन लगाए तो वंचितों के लिए पहले से विशेष प्रावधान किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि ऑक्सीजन उपलब्धता, कोरोना टीकों की उपलब्धता, मूल्य प्रणाली, आवश्यक दवाएं उचित मूल्य पर मुहैया कराने संबंधी उसके निर्देशों और प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़ रही है हमारे साथ। प्रीत, विस्तार से इस खबर पर हमें जानकारी दें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर देश भर में सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिखित तौर पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि लॉकडाउन के समय जो भी लोग वंचित हैं और जिसके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ रहा है और कहीं ना कहीं उनकी अर्निंग के सोर्स खत्म हो गए हैं, उसको लेके सरकारों को ध्यान देने की जरूरत है और समय पर जो सारी चीजें हैं उनको मुहैया कराया जाए। साथ में जिस तरीके से लगातार ऑक्सीजन की कमी और जो टीकों की कमी देखने को मिल रही है, दवाइयां सही दामों पर नहीं मिल रही हैं, कालाबाजारी हो रही है, उसको लेके दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिखित में कि 3 मई की आधी रात के बाद भी किसी भी जो मरीज है उसको ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में लगातार अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के बाद पेशेंट्स को मरते हुए देखा गया, भारी संख्या में जो मरीज थे उनकी डेथ हो गई, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने सख्त दिशा निर्देश दिए हैं सरकार को कि इसका पालन किया जाए। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, इसका कड़ाई से पालन किया जाए। साथ में जिस तरीके से लगातार जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके मूल्य बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो दवाइयां हो या बाकी के जो जरूरी सामान हो, ऑक्सीजन सिलेंडर जो कि 700 रुपए में मिलता है नॉर्मली, वो 10,000 रुपए तक बिके हैं। ऐसे में कड़ी कार्रवाई की जाए पुलिस की तरफ से, सरकारों की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया। और जो जिस तरीके से गरीब लोग हैं जिनका लॉकडाउन की वजह से कमाई के जो साधन है वो खत्म हो गए हैं, उसका ध्यान देना होगा। हाईकोर्ट जिस तरीके से लगातार इस दौरान जो काम कर रहा है उसको भी सरकारों को सख्ती से उसका पालन करना होगा। ये कुछ इस तरीके की टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त की गई है। लिखित तौर पर राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को इन दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है, वरना जो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया। प्रीत, यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है केंद्र और राज्य सरकारों के सामने कि अगर पूर्ण लॉकडाउन या फिर आंतरिक लॉकडाउन, अगर आंशिक लॉकडाउन अगर लगाया जाता है तो ऐसे में जो गरीब तबका है उसकी जरूरतें कैसी पूरी हो ये सुनिश्चित करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होगा केंद्र और राज्य सरकारों के सामने। जी बिल्कुल, हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, जिस तरीके से राशन वितरण करने की बात की गई हो, वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि पिछले लॉकडाउन के दौरान जो गरीब वर्ग है, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, उनके बैंक अकाउंट में सीधे पैसे भेजे गए थे, लेकिन इस बार सरकारों की तरफ से, राज्य सरकार की ओर से जो जरूरी चीजें मुहैया कराने की बात की जा रही थी, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने पिछली बार
फूड पैकेट दिए थे गरीब लोगों को, इस बार ऐसे चीजें देखने को नहीं मिल पा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो दिशा निर्देश है उनका सख्ती से पालन किया जाए, जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो डेली कमाने वाले लोग थे और लॉकडाउन की वजह से उनकी कमाई कहीं ना कहीं बाधित हो गई है, उसको ध्यान देना होगा सरकारों को, उनके लिए कुछ जरूरी स्टेप्स उठाने होंगे, उनको उनके रहने का, उनके खाने पीने का बंदोबस्त सरकारों को उठाना होगा, कि उनके उनकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उठानी होगी सरकारों को, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। जी प्रीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।